हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना एचडी प्रताप लेके हाजिर हूँ मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 20 दिसंबर 2021। 20 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। बात करें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सूचकांक यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स पर पश्चिम बंगाल बड़े राज्यों की श्रेणी में चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार सबसे नीचे रहा है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बनकर उभरा है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप 52.69 के स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे ऊपर है। पूर्वोत्तर श्रेणी में 54.64 अंक के साथ मिजोरम सीट्स पर रहा है। चलिए आपको वेस्ट बंगाल के बारे में बताते हैं। बात करें वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। गवर्नर है श्री जगदीप धनखड़ जी। कैपिटल कोलकाता। फर्स्ट सीएम प्रफुल्ला चंद्र घोष जी। फर्स्ट गवर्नर थे सी राज गोपालाचारी जी। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 20। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं ये मैप में वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश ने IT क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत और वियतनाम देश ने। 17 दिसंबर 2021 को भारत और वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों के मंत्रियों ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अपने देशों द्वारा की गई पहलों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच ICT व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर 2000 को प्रस्ताव 55/93 को पारित करके की थी। इसका उद्देश्य प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस द्वारा 21 की थीम मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन यानी हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसे नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन को। 15 दिसंबर 2021 को 7 बार के Formula 1 यानी F1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। अबू धाबी ग्रैंड प्री में हारने के कुछ दिनों बाद उन्होंने नाइटहुड प्राप्त किया है। वह 12 दिसंबर 2021 को रेडबुल ड्राइवर मैक्स वेस्टपन से हार गए थे। लुइस हैमिल्टन के नाम 103 रेस के साथ सबसे अधिक रेस जीतने का रिकॉर्ड है। वह जर्मनी के माइकल सुमाकर के साथ 7 बार ड्राइवर चैंपियनशिप जीतने में बराबरी रहे हैं। हैमिल्टन नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले 4थे F1 ड्राइवर हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लुइस हैमिल्टन जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला FM रेडियो स्टेशन मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को। 14 दिसंबर 2021 को लद्दाख को राजधानी लेह में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन प्राप्त हुआ है। लेह में पहली बार
टॉफ FM रेडियो लद्दाख के सलाहकार उमंग नरूला द्वारा लॉन्च किया गया है। ले और कारगिल के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में CM ने सहाय योजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, झारखंड राज्य में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से युवाओं की आकांक्षा यानी स्पोर्ट्स एक्शन टूअर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ यानी सहाय योजना शुरू की है। यह योजना वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई है, जिसने राज्य के 24 में से 19 जिलों को प्रभावित किया है। योजना के तहत गांव से लेकर वार्ड स्तर तक 14 से 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाएगा। चलिए आपको झारखंड के बारे में बताते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं रमेश बायस जी। कैपिटल रांची। फर्स्ट CM बाबूलाल मरंडी जी। फर्स्ट गवर्नर प्रभात कुमार जी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 6, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 18। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि रंजन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं झारखंड। ये है मैप में झारखंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। किस बैंक ने PNB और ICICI बैंक पर जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी RBI ने। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि ICICI बैंक पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक 2001 बैन के अनुसार PNB कोष के द्वारा शेयरों को गिरवी रखने से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। चलिए आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर है मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर थे सौरभ स्वामी स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर जरूर याद रखें KJ उदेसी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर D, कुमार मंगलम बिरला जी को। आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को सिलिकॉन वैली से बाहर स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। बिरला ऐसे पहले भारतीय उद्योगपति हैं जिन्हें शीर्ष वैश्विक व्यापारिक नेताओं सत्य नडेला, एलन मस्क और जेफ बेजोस के साथ वैश्विक उद्यमिता के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए चलते हैं आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कुमार मंगलम बिरला जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A, उत्तराखंड राज्य का। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 454.65 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यानी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास से 0 से 22 किलोमीटर तक फैला है। चलिए आपको उत्तराखंड के बारे में बातें हैं। बात करें उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री गुरमीत सिंह जी। कैपिटल देहरादून। फर्स्ट CM नित्यानंद स्वामी जी। फर्स्ट गवर्नर SS बन्नाल जी। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तराखंड।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट्सएप ने बात के कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 500 गांवों की। व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। व्हाट्सएप का डिजिटल भुगतान उत्सव एक पायलट कार्यक्रम है जो व्यक्ति और व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देता है और वित्तीय समावेशन के कारण को आगे बढ़ाने के लिए एक परियोजना के रूप में है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को व्हाट्सएप पर भुगतान के माध्यम से डिजिटल भुगतान तक पहुँच प्रदान करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया महिला लीग की विजेता को 30 लाख का नगद पुरस्कार मिलेगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विश्व अरबी भाषा दिवस यानी वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर को। विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अरबी भाषा मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता के स्तंभों में से एक है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है जो प्रतिदिन 400 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस वर्ष के विश्व अरबी भाषा दिवस का विषय है अरबी भाषा और सभ्यता संचार यानी द अरबिक लैंग्वेज एंड द सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइन करंट अफेयर्स को रिविजन करते हैं। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी और इंग्लैंड के 3रे खिलाड़ी बन गए हैं। WHO ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज द्वारा किस ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? बात करें भूटान देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोल्लो से सम्मानित करने का फैसला किया है। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले ई श्रीधरन जी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है। अवनी लेखरा जो कि भारतीय शूटर हैं 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान पाई हैं। CCI ने अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रमंडल भारतोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे जी ने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ 6 समझौते किए हैं। बात करें भारत ईरान और उज्बेकिस्तान देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोटेक्शन लिंक्ड यूनिवर्सिटी स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 76,000 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन टू था कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए पोलैंड देश के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए RT-PCR आधारित किट विकसित की है? क्वेश्चन वन है ये, क्वेश्चन टू है केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने मेगावाट है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टडीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में कहना चाहूँगा आप PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑनलाइन स्टडीज को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।